मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं एक फौजी हूं और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो, अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं, जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय भी पी ली वो। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी? कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया मैं बाबू जी। अमर और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। अमर बेटा जी, आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है, दान दहेज की भी बात की? क्या बात करती हो माँ, बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है। और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? और नहीं तो क्या? अमर, माँ दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर कर लो। देखो शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बलात पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर निकला तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे हिसाब चढ़ाने और बेच दिया लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सेठ साहब, बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहा सेठ साहब, रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे? सेठ धनराज को? हाँ सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो भी ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छुपेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। टूटता हूं मैं आपकी दौलत पर, टूटता हूं मैं हाथ से कलाज, टूटता हूं मैं आपकी दौलत पर, ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लाख मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाथ से कलाज,
नफरत है मुझे आपकी इस औरत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की खेतनी का। तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया। जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, मगर देखिए देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी, कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं, तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनके बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई की वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो